दलित हो, अति पिछड़ा पिछड़ा, कोई उनके ऊपर भरोसा करने वाला है? कोई नहीं भरोसा करने वाला। कोई आज दलित हो, अति पिछड़ा हो, बाकी कोई भी लालू जी के बहकावे में तो उतना दिन रहकर नामांकन में अररिया में हमने देखा कि इतनी बड़ी सभा नामांकन के समय आज तक हमने नहीं देखी। विदेश से बुलाए लालटेन का प्रचार करने के लिए क्या पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से एक बार बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने राजद और महागठबंधन पर कई आरोप लगाए। एक तरफ उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मुझे बताए कि क्या आज वो लालटेन से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, क्या आज देश एलईडी बल्ब जला रहा है? तो बिहार में कुछ लोग हैं जो लालटेन जलाने की तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान निकलकर सामने आता है, वैसे ही राजद कुनबा जो है इस बयान को तुरंत लपक लेता है। उसके बाद वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश से और गुजरात से लोगों को बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए राजद का भेज रहे हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालटेन का नाम लेते हुए हमला किया, उस पर तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज हमारी पार्टी के प्रचार को करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार आए हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हम देश की जनता का और बिहार की जनता का किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा सीधा पलटवार करते हुए महागठबंधन को आड़े हाथों ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कौन सी पार्टी है जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, ये सब अफवाह है। ऐसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। लालू जी ने ट्वीट किया है, गुजरात और दिल्ली के लोग आकर लालटेन का प्रचार कर रहे हैं। विदेश से बुलाए लालटेन का प्रचार करने के लिए क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है? उनकी लालटेन कब की बूत चुकी है, बिजली का जमाना है, लालटेन का जमाना चला गया, आम जनता इसको मान चुकी है, इसलिए लालटेन का कोई उपाय नहीं। क्या माहौल था सर, गए थे चुनावी सभा? माहौल तो इतना अच्छा है कि नामांकन में अररिया में हमने देखा कि इतनी बड़ी सभा नामांकन के समय आज तक हमने नहीं देखी थी, इतनी बड़ी सभा वहाँ देखा। बाकी जगह भी बहुत ही उत्साह लोगों में था, जोश था, कार्यक्रम हर जगह इतना अच्छा हो रहा है कि अभी से लगता है जैसे रिजल्ट देने का लोगों ने मन बना लिया। पूछ रहे कि रोजगार की युवा इधर सब बात करेंगे, पीएम ये सैनिक कह रहे हैं कि दलित जो है इनके बहकावे में नहीं आएंगे, सब हम लोग के साथ है। अरे भैया, दलित हो, अति पिछड़ा हो, बाकी कोई भी लालू जी के बहकावे में तो उतना दिन रहकर लोगों ने देख ही लिया है। न दलितों के लिए उन्होंने कुछ किया, न अति पिछड़ा लालू के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया। किया तो सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, तो अब कहाँ से दलित हो, अति पिछड़ा पिछड़ा, कोई उनके ऊपर भरोसा करने वाला है? कोई नहीं भरोसा करने वाला है। जी हाँ, तो देखा आपने कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो लालू यादव पर जमकर हमला कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि महागठबंधन को तो छोड़ दीजिए, वो एक सीट भी निकालने वाली नहीं है। जो देश का और जो बिहार का माहौल है, हम बिहार में 400 सीट जीतने जा रहे हैं और जो आज हमने देखा है अररिया में, उससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से अररिया में आज नॉमिनेशन के दौरान जनसभा देखने को मिली, उस जनसभा को देखकर हम गदगद है। अब ऐसे में एक तरफ एनडीए है जो जीत का दावा कर रही है, बिहार में 400 सीट पर जीत का दावा कर रही है और एनडीए देश में 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में 0 पर आउट करना है। अब देश की जनता का और बिहार की जनता का क्या मूड है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।